हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आईबीपीएस क्लेरिकल के लिए नियर अबाउट 20 डेज का अप्रॉक्स टाइम बचा हुआ है। आपका 5 दिसंबर को अगर एग्जाम पड़ता है, फिर 12 को पड़ता है, तो आपके पास एक वीक एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। अब लास्ट मोमेंट पर काफी सारे लोग कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो देखो दोस्तों, अब जो टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, वो भी आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है। आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, आप उसको प्रॉपर सबमिट करें और उसके बाद उसके एनालिसिस में मैक्सिमम टाइम लगाएं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो क्लेरिकल में ऑलमोस्ट इजी आएंगे और वहां पर आपकी जितनी ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस हो रखी होगी तो वही आपको आगे लीड आपको देगी। अब यहां पर कुछ मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं जो कि आपको अलग अलग मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने ऑलिव बोर्ड का जो फ्री मॉक अवेलेबल है आईबीपीएस क्लेरिकल के लिए वो नहीं दिया है, तो वो लेवल काफी अच्छा है, आप उस लेवल के मॉक टेस्ट को भी बना सकते हैं। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। अब प्रीलिम्स लेवल के मॉक टेस्ट में क्वांट में आपको क्या करना होगा, देखो 5 और 5 आप ये मानकर चले या तो 10 नंबर सिंप्लीफिकेशन मिलेगा या फिर 5 अप्रोक्सीमेशन 5 सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके हो जाते हैं, 5 नंबर के नंबर सीरीज हो जाते हैं, 2 DI अगर हो जाते हैं, इसके बाद बचे हुए आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये पूरा आपका जो कंबाइंड फॉर्मेट है, ये आपका क्वांट का रहता है। अब आपको ये करना है कि मुझे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर सीरीज बनाने हैं। अगर आप 20 मॉक टेस्ट बनाओगे तो एक मॉक टेस्ट में 5 नंबर सीरीज मिलेंगे, ऑलमोस्ट आप 100 अलग अलग टाइप के नंबर सीरीज बना लोगे, रॉन्ग प्लस मिसिंग। तो इससे क्या है कि अलग अलग पैटर्न भी आपको मालूम चल जाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आज के टाइम पर क्वेश्चन पूछने का सिनेरियो क्या रहने वाला होता है। इसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे लोग कर लेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन इसमें नहीं होती है। बाकी DI की बात अगर मैं करूं तो DI में दोस्तों, अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग है, आपको एवरेज आता है, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट सारे DI कर लोगे। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर हमें परसेंटेज निकालना पड़ता है, एवरेज रेशियो, ये 2-3 चीजें करनी होती हैं। अब एक DI आपकी टेबल जरूर पेपर में आती है, बाकी बार चार्ट हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, टेबल तो आएगा ही आएगा, बार हो गया, पाई हो गया, ठीक है, लाइन ग्राफ हो गया, तो ये पूरा आपका जो क्वांट का कंस्ट्रक्शन होता है वो इस फॉर्मेट में दोस्तों होता है। बर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आप एक एक करके ट्रेस करते हुए जाना। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो आप उसको स्किप कर देना, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 20 मिनट में ही पूरे पेपर में क्वांट को हमें टैकल करना है। तो आप इजी वन को पिक करना है और जरा सा टफ लग रहा है उसको आप आउट कर दो, क्योंकि दोस्तों प्रिलिमिनरी केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, इसमें हमें बहुत ज्यादा R&D नहीं करनी, हमें पेपर को क्वालिफाई करना है। लेकिन हाँ, जब जैसा कि हाई कट ऑफ फिल्म्स में देखने को मिलती है, तो वहां पर आपको कोई इजी क्वेश्चन छूट ना जाए, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज हाँ, मैं आपको और बता दूं कि जो रीजनिंग की बात अगर मैं करूं तो रीजनिंग में ऑलमोस्ट पजल ओरिएंटेड आपका पेपर रहता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी पजल रहती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के पजल को बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, लाइक डेज बेस्ड पजल हो गया आपका, ठीक है, बॉक्स पजल हो गया, अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट वाला पजल हो गया, ये आपके पेपर में दोस्तों ऑलमोस्ट हमेशा रहते हैं। इसके बाद पजल के अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, नंबर न्यूमेरिक सीरीज आपका हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया आपका, ठीक है, इनइक्वालिटी हो गया, सिलोगिज्म हो गया, इनसे भी पेपर आपका बनता है। तो जरूरी नहीं कि हम सारी पजल बनाकर आएंगे, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि मिसलेनियस छोड़कर नहीं आना है, और पजल में वो पजल हमें पहले अटेम्प्ट में बनानी है जिसकी हमने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये पजल 2-3 पॉसिबिलिटी वाली है, फिर हमें लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, तो आप उसको साइड में रखो। जब तक आप ये नेचर नहीं अडॉप्ट करोगे घर पर जो भी आप मॉक टेस्ट बना रहे हैं, तब तक दोस्तों आप एग्जामिनेशन में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। बाकी इंग्लिश की रही बात, तो देखो इंग्लिश क्या होता है कि जब तक यही नहीं पता पाता कि पेपर हम कैसे कर रहे हैं, हमें कितना आता है, इंग्लिश में क्या है, अभी 2-3 चीजों के प्रैक्टिस करो। एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जितना ज्यादा हो पाए उतना एनालाइज कर लो, आप अलग अलग बुक से भी आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि पेपर में कुछ एरर को आप बेसिक आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके ग्रामर पोर्शन को बनाएगा। इसके अलावा यानी कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करने बैठ जाओ, वो बेसलेस है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम क्या करना है आपको कि रीडिंग पावर आपको इंप्रूव करनी है, मतलब न्यूज़पेपर के अगर आर्टिकल पढ़ रहे हो तो इससे आपका RC वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्लॉज टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एरर्स के लिए मैंने आपको बताया कि टेंसेस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आर्टिकल्स आपको आने चाहिए, ठीक है, और ये जो आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें आपका बहुत कुछ
ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लास्ट मोमेंट पर स्ट्रेटजी बनाएं और डेली एक मॉक टेस्ट दें, इसको एनालाइज करने में 2 से 2.5 घंटे लगाएं, जितना ज्यादा हो सके डीप में जाएं, उस सारी चीजों को समझें, क्योंकि वैरायटी सॉल्व करोगे तभी दोस्तों पेपर के माहौल को आप पेपर में एग्जैक्टली समझ पाएंगे।